देख लो, ये देख लो मेरे बाबू को क्या खा रहा है। जूस पीला है। सही बताओ ये क्या है? उल्टा स्ट्रॉ डाले हो हैं? ये दादी आई है और ये देखो कितना सारा सामान मिला मेरे बाबू को। ये लेस का पैकेट है, मैगी भी है और इसमें क्या था, इसमें भी लेस थे, 10 रुपीज भी है। इतना सारा सामान, कितना सारा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे। फ्रेंड्स, आज है रामनवमी, जैसा कि आप सब जानते हैं, और मेरे यहाँ अभी नौ क्या बोलते हैं कन्या भोज नहीं हुआ है और कोरोना का कहर कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से शायद होगा भी नहीं। तो ऐसे ही पूजा करेंगे और मंदिर में भोग चढ़ाएंगे और आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। रामनवमी के दिन ना वो कन्या खिलाते हैं, इसलिए देखिए काफ़ी सारे सामान बाहर से आया है, लोग बुला नहीं रहे हैं और ऐसे ही बाहर सामान दे के जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ। फ्रेंड्स, मेरा रूम ऊपर है और जब मैं नीचे आई ना तो यहाँ पर मेरी सासू माँ पूजा कर रही थी, तो यहाँ पर चलिए हम लोग भी थोड़ी पूजा वूजा कर लेते हैं, इसके बाद में बात करते हैं। और ये मेरी बच्ची भी यहाँ पर बैठ के ना हाथ जोड़ के भगवान जी के सामने ऐसे बैठी हुई है, अच्छे से पूजा कर रही है और मैं वीडियो बना रही थी तो वही मम्मी पीछे से देख रही हैं कि हाँ कौन पूजा कौन वीडियो बना रहा है, क्या कर रही है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, तो ये देख रही थी वो। और चलिए पूजा कर लेते हैं, इसके बाद में बात करते हैं फिर। जय जय कर लो सब जगह से जय। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा हो गई थी तो मैंने अपने बच्चे से बोला कि चलो आप भी जय कर लो भगवान जी को, तो वो भी कर रही है। चलिए फिर बाद में देखते हैं। मैंने ट्राइपॉड एक मंगवाया हुआ है और इसको गोरिल्ला ट्राइपॉड भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर जगह मूव कर जाता है, फ्लेक्सिबल है ये, और ये डिजी टैग का है। और इसके अंदर कौन कौन से गैजेट्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली इसकी पैकिंग ना दूसरी तरीके से आई थी, बट ये किसी और के यहाँ से मंगवाया था ना, तो इसलिए ओपन करके दिया है। तो जितना है उतना ही दिखा देते हैं आपको। तो ये है, इसमें एक ये आया है मोबाइल फोन होल्डर, ये और इस तरीके का ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये देखिए। और ये इस तरीके से अगर रखना चाहें इस तरीके से करके, तो इस तरीके से ये रख सकते हैं। और फोन को आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये होल्डर है ना, तो ऐसे करके लगाना हो, इसमें स्क्रू दिया हुआ है, इस तरीके से रखना हो, मतलब हॉरिजॉन्टल लगाना हो या वर्टिकल लगाना हो, तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं इसमें, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैं बाद में सेट कर लूंगी। और एक ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये ब्लूटूथ रिमोट है जो कि मोबाइल को कंट्रोल करेगा, कैमरे को, ये देख सकते हैं आप इसको। इसमें दो की दी हुई है, इसमें दो की दी हुई है जिससे हम लोग कैमरे को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 गैजेट्स आए हुए हैं, एक ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये है होल्डर, और ये स्टैंड है। तो इसको आप किसी तरह होल्ड भी कर सकते हैं, कहीं पर टांगना वगैरह हो ना तो इसको इस तरीके से टांग सकते हैं, इसको ऐसे करके कहीं भी लटका दो या टांग दो तो ये काफ़ी हैंडली होता है और काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। या फिर आपको नॉर्मली कैमरा हैंड में पकड़ते हैं ना तो बहुत सेक होता है, तो इस के थ्रू अगर इस तरीके से दूर रख के पकड़ेंगे ना तो सेक नहीं होगा मोबाइल, और अच्छे से फोटो या वीडियो जो भी आपको लेना होगा ना वो आएगा। यहाँ पर ना मम्मी वो थोड़ा सा भोज बना रही थी तो वही मैं देखने लगी थी, और इसकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आई थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है। तो यहाँ पे खीर बन रही है, तो ये दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है, और साइड में चाय भी बन रही है, तो चाय पीनी थी तो उसके लिए। और यहाँ पर मैंने क्या करके रखा है, ये देखिए चावल को थोड़ा सा धुल के रख लिया है साफ करके, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको अभी कट कर लेंगे छोटे छोटे पीस में। और ये क्या रखा है मम्मी ने, ये चिरौंजी भी रखी हुई है थोड़ी सी, दो चार चीज़ें होती है ना खीर में तो अच्छी लगती हैं, बस इसीलिए।
तो ये सारी चीजें इसमें ऐड कर देंगे तो खीर बन जाएगी हम लोगों की मस्त बिल्कुल। और ये देखिए साथ में थोड़ा सा आटा लिया हुआ है, इसकी बनेंगी पूड़ियां और फिर लगेगा भगवान जी को भोग। फ्रेंड्स वैसे तो भगवान जी की एक बार पूजा हो गई है पर भोग भी बनाना था और ये भी चढ़ाना था तो ये भी बना लेते हैं ना, इसके बाद में फिर से उनको चढ़ा देंगे और फिर से एक बार पूजा कर लेंगे। तो वही हम लोग कर रहे थे तो मम्मी भी साथ दे रही थी, तो यही पहले सारा सामान पूड़ियाँ निकाल ली थी और खीर भी साइड पे एक साइड पे रख दी थी तो वो भी बन रही थी, क्योंकि खीर बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है चावल की खीर बनने में, तो वही एक साइड पे खीर भी चेक करते जा रहे थे कि हाँ अभी पकी है कि नहीं, तो यहाँ पर वो डाल दिया। और ये ना फ्रेंड्स बीच में थोड़ा सा रखा हुआ है गुड़, तो ये गुड़ से ना फ्लेवर भी अच्छा आता है और कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए मम्मी थोड़ा सा ये देखिए पूजा की थाल रेडी हो गई है, फूल है, दिया भी है, कुमकुम भी है, थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स मिस्टी वगैरह हैं और ये माचिस दिया जलाने के लिए पूड़ियाँ हैं और ये जल है, इसमें फूल भी डाल दिया है और एक बनाना है और यहाँ पर खीर है और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आ रही है बैकग्राउंड की। तो ये पूजा की थाल रेडी हो गई है तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। फ्रेंड्स वो थाली तो मंदिर लेके जाएंगे पर ये थाली जो छोटी सी है ये घर पे ही चढ़ाएंगे भगवान जी के लिए, तो ये अलग से निकाल दिया है। यहाँ पर देखिए मम्मी पूजा फिर से कर रही हैं और भोग भी लगा रही हैं, ये सारी सामान जो भी बना हुआ था खीर पूड़ी। और यहाँ पर हम लोग मंदिर पहुँच गए थे तो मम्मी से मैंने बोला कि थोड़ा सा मम्मी एक क्लिप ले लेते हैं, वीडियो एडिट करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मंदिर के अंदर गए थे तो ये दुर्गा जी हैं, माता जी हैं, तो यहाँ पर पहले मम्मी अच्छे से उनको जल चढ़ा रही थी और साफ कर रही थी और इसके बाद में ना उनको भोग लगाएंगी, टीका वगैरह और फिर जो प्रसाद वगैरह लेके आए हैं ना वो सब चढ़ाएंगी। तो यहाँ पर मम्मी की हो रही है पूजा और मैंने भी थोड़ा सा कर ली थी पूजा और मेरी बच्ची सब कुछ देख रही है। और यहाँ पे ना ये जवारे बहुत अच्छे से आ गए हैं क्योंकि दुर्गा जी का जब नवरात्रि होती है तो जवारे भी तो बोए जाते हैं ना, तो वही थे, तो आज सब कुछ खुल गया था दरबार वही। और यहाँ पर ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी इसीलिए अकेले अकेले पूजा कर ली मम्मी ने जल्दी से, और कोरोना की वजह से ना भीड़ में जाना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सही नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल भी सही नहीं रहता है, अगर भीड़ हो ना तो अपने घर पे ही पूजा कर लो। और पूजा करने के बाद में यहाँ पर ना मम्मी धूप घास लेने लगी थी, वो बोल रही थी कि धूप घास ना भगवान जी को चढ़ाई जाती है, शायद गणेश जी को और लक्ष्मी जी को चढ़ाई जाती है, ऐसे ही मम्मी ने कुछ बताया था तो चलिए तो मुझे भी याद नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लेके आ गई थी पूजा की थाल घर पे।